हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैलेंटाइंस डे स्पेशल कान्हा जी की पोशाक आपको से बता रही हूँ। ये है 3-4 नंबर वाली कान्हा जी। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3-4 नंबर वाली चोली बनाने की मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका लिंक। आप वहां से जाकर इसके तैयार कर लीजिएगा। जब ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाए, ये इसका पीछे का हिस्सा है और नीचे मैंने डबल कर लिए फंदे, क्योंकि हमें घेर बनाना है। ये आर्म होल है और ये चोली बनाने के लिए मैंने इसे केवल 14 फंदों से, यानी 14 चेन से शुरू करा है और ये चोली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये चोली। ये मेरा अपना डिजाइन है, तो आप जरूर इसे ट्राई करिएगा। अब ये देखिए, मैंने यहाँ फंदे बढ़ा लिए हैं, डबल कर लिए हैं, यानी एक में दो बनाकर इसे तैयार कर लिया। और मैं इसे यहाँ पर एक चेन बनाकर टाइट करके इसको फंदे धागे को काट कर अलग कर दूंगी, क्योंकि मैं अब दूसरा कलर यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने अब अपना दूसरा कलर ले लिया है। मैं इसमें स्लिप नॉट बनाऊंगी और फिर इसको इसमें अटैच करूंगी। तो उसके लिए कुछ इस तरह से हमने जहां पे एंड करा था, हम बिल्कुल उसी जगह पर इसको अटैच करेंगे। हमने इस तरह से धागा लिया, इस फंदे को हमने डाला और एक चेन बनाकर इसे अटैच करा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम ये धागा खींच लेंगे और इस धागे को भी खींचेंगे, क्योंकि ये धागा खुला सा हो रहा था। और अब इन दोनों धागों को दबाते हुए हम आगे बुनेंगे। तो एक चेन बनाई हमने, ये स्टार्टिंग चेन है, इसको काउंट नहीं करेंगे और हम बिल्कुल इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमें डिजाइन भी बनाना है और फंदे भी बढ़ाने हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फंदे बढ़ाने, आप पहले चेन में डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया, तीसरे में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक ही फंदे में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, है ना। अब फिर एक एक दो, एक एक दो, इस तरह से आपको हर बार फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिएगा, ये मैंने एक एक दो करके ये फंदे बढ़ाए हैं और मैंने ये काउंट करे तो ये हो गए 6। अब ये 6 जैसे ही डबल क्रोशिया हो जाएंगे, मैं अपना डिजाइन बनाना शुरू करूंगी और उसके लिए आपको बनाने होंगे 6 चेन। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चेन। अब थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम फोर्थ चेन में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम फिफ्थ चेन में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे और हम फिर 6 चेन में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम इसे छोड़कर, अब हम इस धागे पर ही इस पे शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले फंदे में हमने डाला और धागा आगे लेकर सिंगल क्रोशिया करा, फिर धागा लेकर हम नेक्स्ट फंदे में, नेक्स्ट चेन में, यानी फिफ्थ चेन में हम बनाएंगे, जो हमारी रिवर्स में फिफ्थ चेन थी उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, फिर रिवर्स में जो फोर्थ चेन स्लिप चेन थी उसमें हमने बनाया डबल क्रोशे। अब जो थर्ड सबसे ऊपर वाली टॉप की है चेन, उसमें हमें 4 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। तो ट्रिपल क्रोशे, आप दो बार धागा लेंगे, आगे फंदे में धागा लेंगे, फिर दो फंदों का एक, दो फंदों का एक और दो फंदों का एक, इस तरह से आप बनाएंगे। दो बार धागा लेंगे क्रोशिया पर और फिर इन्हें बुनेंगे। तो ऐसे आपको 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, या आप ट्रेबल क्रोशिया भी, ट्रेबल्स भी कहते हैं इसको। तो ये बनाकर आपको एक ही जगह पर लेने हैं, बिल्कुल जिस जगह पर आपने बनाया था उसी जगह पर आपको इसे लेना है और फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब हम बनाएंगे 4 चेन, 3, 4,
फोर चेन बनाने के बाद जहां हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए थे बिल्कुल उसी जगह पर हमने स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए अब ये हार्ट हाफ हार्ट बन गया है। अब बाकी का हाफ हम इसका बिल्कुल रिवर्स करेंगे, यानी सबसे आखिरी में फोर चेन बनाई थी तो अब हम सबसे पहले फोर चेन बनाएंगे। ये देखिए 1 फोर चेन बनानी है हमें। सबसे पहले 1 2 3 4, अब इसके बाद बनाने हैं फोर ट्रेबल, तो बिल्कुल उसी जगह पर लेंगे हम, और दो फंदों का एक, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते हुए ये फोर ट्रेबल बनाएंगे। तो एक हो गया ये सेकंड ट्रेबल, थर्ड ट्रेबल, कुछ धागा अटक सा रहा है, और फिर है लास्ट हमारा फोर्थ ट्रेबल। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो फोर्थ स्लिप नॉट था हमारा उसमें हम बनाएंगे अब डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, 1, एक ही डबल क्रोशे हमें बनानी है। अब जो फिफ्थ था स्लिप नॉट उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे, और आखिरी वाले में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। देखिएगा सिंगल क्रोशे, ये अब देखिए ये हमारा हार्ट बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए ये हार्ट बिल्कुल तैयार हो गया, दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट। अब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब स्लिप स्टिच को समझने के लिए देखिए ये जो दो फंदे हैं हमारे, जहां पर हमने आखिरी में ये बुना था, ये दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और इसमें पिरोकर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा हार्ट तैयार हो गया। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने के लिए अब फिर हमें देखिए इंक्रीज करना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दो हमने दो बना लिए डबल क्रोशे, अब ये तीसरा डबल क्रोशे है, और फिर इसी जगह पर हम चौथा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशे, एक बन गया, अब दूसरा, फिर तीसरा, और फिर यहीं पर चौथा, फिर एक, इस तरह से हमें बनाने हैं। अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, या हमें 12 डबल क्रोशे का बीच में स्पेस देना है, तो ये 12 डबल क्रोशे हम कर लेते हैं पूरे पहले, और फिर हम यहाँ पर हम स्पेस देंगे। दो और बन ले हैं, और फिर हम स्पेस देंगे, और फिर हम यहाँ पर और एक और हार्ट बनाएंगे। देखिए ये हो गया, अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक हार्ट। तो हार्ट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा हर बार। एक बार और काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो गए हमारे 12 डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हम हार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमें बनाने होंगे 6 चेन, 1 2 3 4, क्रोशिया कुछ अटक रहा था, 3 4 5, और ये 6। अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, तो फोर्थ चेन में, फिफ्थ चेन में, और सिक्स्थ चेन में। सिक्स्थ चेन में हम करके अब हम फर्स्ट चेन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बुनना शुरू करेंगे, और ये आगे बुनना हम शुरू करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से टर्न करेंगे, और
ही इस चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, पहले स्लिप स्टिच पर, दूसरे स्लिप स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, तीसरे में हम बनाएंगे डबल क्रोशे और चौथे में हम बनाएंगे चार ट्रेबल क्रोशे। तो ये अब चार ट्रेबल क्रोशे हमें बनाने, ट्रेबल क्रोशे के लिए दो बार धागा आगे करेंगे और फिर हम इसे बनाएंगे। और फोर ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद देखिएगा इस तरह से एक ही जगह पर हमें ये चार ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद फोर चेन और उसी जगह पर हम स्लिप स्टिच करेंगे ये इस तरह से। और ये देखिए आधा दिल बन गया हमारा, आधा हार्ट बन गया। अब हम बाकी का हार्ट बनाएंगे, तो बाकी का हार्ट बनाने के लिए फोर चेन से शुरू करेंगे, फोर ट्रेबल बनाएंगे, दो बार धागा आगे करके हम इस तरह से ट्रेबल बनाएंगे। ये हो गया वन वन ट्रेबल। अब है नेक्स्ट यानी कि सेकंड ट्रेबल। अब है नेक्स्ट दैट इज थर्ड ट्रेबल। अब है नेक्स्ट दिस इज फोर्थ ट्रेबल। अब यहां पर हम अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो देखिए आप हार्ट बनाना बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। अब हम स्लिप स्टिच बनाकर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए स्लिप स्टिच बनाते हैं इस तरह से, दो धागों में डालेंगे हम। और हम करेंगे स्लिप स्टिच और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो यहां पर फंदे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए तो ये हार्ट बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे और इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे मेरी कुछ फाइल्स करप्ट हो गई। अब मैंने इसमें ये क्रीम कलर सॉरी पिंक कलर लिया है और पिंक कलर से भी मैंने इसी तरह से ये 12 फंदों के बीच में छह छह फंदों पर मैंने फिर मेरे बीच में बनाए हैं पिंक कलर के और फिर ब्लू वाले के ऊपर ही फिर बाकी के ये रेड वाले हार्ट बनाए हैं। देखिएगा इसके बिल्कुल सीध में है ये और इनके बीच में है पिंक वाले हार्ट। तो मैंने पिंक वाली लाइन में भी इंक्रीज करे हैं फंदे और जिस लाइन में मैंने हार्ट बनाए हैं पिंक वाली वो प्लेन बनाई थी और उसके बाद रेड वाली दोनों ही राउंड्स में मैंने फंदे इंक्रीज करे हैं। अब ये बिल्कुल मेरी ड्रेस तैयार हो गई है। अगर ये फ्लैट नहीं बनते आपके हार्ट तो आप इन पे हल्का सा स्प्रे करिए, कपड़ा ढकिए और इन्हें हल्की प्रेस कर दीजिए, तो उससे ये हार्ट बिल्कुल खुल जाएंगे और बिल्कुल फ्लैट और बढ़िया हो जाएंगे। तो स्प्रे करके कपड़ा ढककर आप प्रेस कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से ये फ्लैट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। अब देखिएगा ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा है और मैं हमेशा इसे डेकोरेट करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये हार्ट बनाया है सीधे सिक्स चेन बनाकर, बिल्कुल जैसे बाकी के हार्ट बनाए वैसे ही मैंने ये हार्ट बनाया और इसको कट करके अलग कर लिया। अब मैं इसे कुछ इस तरह से लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। अब ये पीछे का हिस्सा है तो हम इसे खुला रहने दिए। यहाँ पर आप टिच बटन
या सेफ्टी पिन या डोरी, आप जो चीज पसंद करें आप उसे लगा सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी बिल्कुल ड्रेस तैयार। आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। ऐसी ही बहुत सी और भी ड्रेस हैं जिनकी मैं प्लेलिस्ट यहीं पर डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।